हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्वेता यम्मी रेसिपीज़। विंटर में गर्मा गर्म खिचड़ी खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, और अगर हमें घर पर ही रेस्टोरेंट स्टाइल लहसुनी पालक खिचड़ी मिल जाए तो बात ही क्या है, जो कि टेस्टी तो है ही, साथ में न्यूट्रिशियस भी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ एक बोल में मैंने एक कटोरी चावल लिया है और एक कटोरी धुली हुई मूंग की दाल ली है। चावल मैंने अभी बासमती लिया है, आप कोई भी रेगुलर ले सकते हैं। चावल और दाल की क्वांटिटी मैंने अभी 50-50 रखी है, आप चाहे तो चावल से 50% दाल भी ले सकते हैं। तो दाल और चावल को हमें सबसे पहले 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेना है, और फिर इसमें थोड़ा पानी ऐड करके करीब 20-25 मिनट का हमें इसे रेस्ट करने देना है। तो ये दाल और चावल अभी रेस्ट कर चुके हैं, तब हम इसे प्लेन खिचड़ी बनाएंगे। तो प्लेन खिचड़ी बनाने के मैंने दाल और चावल को कुकर में ले लिया है और उसमें थोड़ा पानी ऐड किया है, करीब 1 इंच जितना चावल से ऊपर, और उसमें पिंच हल्दी और स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे। पानी थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम इसका कंसिस्टेंसी बाद में मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी हल्दी और नमक के साथ मैंने यहाँ पे अभी 1 टीस्पून घी ऐड किया है, इससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और विसल लगा के करीब हमें 2 सीटी बजा लेना है। तो उसी पीरियड में मैं यहाँ पे पालक को ब्लांच कर रही हूँ। तो ब्लांच करने के लिए मैंने यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लिया है और उसमें मैंने पालक ऐड किया है, करीब 200 ग्राम पालक को मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है। और पालक को पानी में ऐड करते ही हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है, और करीब 1/2 से 1 मिनट रखने के बाद हमें इसे तुरंत आइस कोल्ड पानी में ऐड करना है। यहाँ पे मैंने अभी रेफ्रिजरेटर का पानी लिया है, उसमें हमें तुरंत पालक को ऐड करना है, और करीब 1 मिनट ठंडे पानी में रखने के बाद हमें पालक को निकाल लेना है, और उसमें करीब 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 पीस अदरक का और 2 हरी मिर्च ली है, उसे हमें पालक में ऐड कर लेना है। आप चाहे तो हरा धनिया भी ले सकते हो, और इसका हमें प्योरी बना लेना है, तो इससे पालक का कलर एकदम ग्रीन रहेगा। तो अभी कुकर भी हमारा ठंडा हो चुका है और खिचड़ी भी एकदम परफेक्ट बन गई है। तो अभी हम पालक की खिचड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ एक पैन में मैंने घी लिया है, आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हो, पर खिचड़ी हमेशा घी में ही बेस्ट लगती है। तो घी गर्म होने के बाद मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है, और जीरा हल्का सा सौते करने के बाद मैंने यहाँ पे 4 से 5 लहसुन की कलियों को कट करके लिया है, और हल्का सा इसे भी हम सौते करेंगे, और 1/2 टीस्पून हींग डालेंगे। तो लहसुन को भी हमें अच्छे से सौते कर लेना है, लहसुन का कच्चापन हमें दूर कर लेना है। और लहसुन के सौते होने के बाद मैं यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले रही हूँ, जिसे मैंने रफली चॉप किया है। तो प्याज को भी हमें अच्छे से सौते करना है, और प्याज हल्का सा सौते होने के बाद मैं यहाँ पे 1 ड्राई रेड चिली ले रही हूँ, और 1 हरी मिर्च को मैंने स्प्लिट करके लिया है। तो अभी हमें प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा उसका कच्चापन निकाल देना है। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं रफली चॉप करके। तो प्याज और टमाटर को अभी हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने खिचड़ी में ऐड किया है, तो यहाँ पे हम प्याज टमाटर और पालक का नमक ऐड करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ, और 2 मिनट के लिए हमें इसे ढककर कुक होने देंगे। आप पहले से ही खिचड़ी बना के रख लें और पालक की प्योरी रेडी करके रख लें तो ये खिचड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये फटाफट रेडी हो जाती है। तो 2 मिनट हो गई है, और आप देख सकते हैं प्याज और टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं, घी भी रिलीज़ हो चुका है। तो अब हमें पालक की प्योरी ऐड करना है, जो हमने बना के रखी थी, और आप देख सकते हैं पालक का कलर कितना ग्रीन दिख रहा है, एकदम मस्त कलर दिख रहा है। तो हमें पालक की प्योरी को ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाता है। तो हल्का सा 1 उबाल आने के बाद हमें इसमें
थोड़ा सा पानी ऐड किया है मैंने, और अभी मैं इसमें खिचड़ी ऐड करने जा रही हूँ। तो हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि पानी हमें गर्म ही ऐड करना है, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुके नहीं और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी मैं धीरे धीरे सारी खिचड़ी ऐड कर लूँगी और बीच बीच में हमें इसे मिक्स करते जाना है। पहले भी मैंने आपके साथ एक रेस्टोरेंट स्टाइल दाल खिचड़ी का रेसिपी शेयर किया हुआ है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो। तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी ऐड किया है और इसे ढककर करीब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कुक होने देंगे। खिचड़ी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा ड्राई खिचड़ी पसंद नहीं है। आप यही खिचड़ी को लेफ्ट ओवर दाल और चावल से भी बना सकते हो, यही प्रोसेस सेम करना है, सिर्फ इसमें हमें दाल और चावल ऐड करना रहेगा। तो अभी परफेक्टली खिचड़ी कुक हो चुकी है, इसमें सारे फ्लेवर्स आ चुके हैं और लास्ट में मैं यहाँ पे 1 टीस्पून किचन किंग मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब ये सर्विंग के लिए एकदम रेडी हो चुकी है और अब देखिए क्या बढ़िया दिख रही है, देखते ही खाने का मन होता है। आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, पर इसमें एक ऊपर से लहसुन का तड़का लग जाता है तो मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है और घी गर्म होने के बाद मैंने 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है, और जीरा अच्छे से तड़कने के बाद करीब 5 से 6 लहसुन की कलियाँ मैंने बारीक करके कट करके ली है, और उसे लहसुन को हमें अच्छे से ब्राउन करना है, और 2 लाल मिर्च सूखी वाली ली है। और ये अच्छे से तड़का रेडी हो चुका है और ये हल्का सा ठंडा होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो ये तड़का भी रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मैं एक बोल में खिचड़ी ले रही हूँ और सर्विंग के टाइम पे ही हमें खिचड़ी के ऊपर तड़का ऐड करना है। अगर आप तड़का ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप एज इट इज़ भी खिचड़ी खा सकते हो, ये भी बहुत टेस्टी लगती है। तो साथ में आप पापड़ या दही भी ऐड कर सकते हो, या तो आप इसके साथ में गुजराती कढ़ी भी ले सकते हो। गुजराती कढ़ी के साथ भी ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, और गुजराती कढ़ी की रेसिपी भी मैंने आपके साथ पहले शेयर की हुई है, मैं उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से खिचड़ी बनाओगे तो बच्चे जिनको खिचड़ी पसंद नहीं है, खिचड़ी के नाम से दूर भागते हैं, वो भी खिचड़ी मांग मांग कर खाएंगे और यही फरमाइश करेंगे कि हमें ऐसी ही खिचड़ी खाना है। तो दोस्तों, इस रेसिपी को लाइक करना ना भूले, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।